हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे जहां हम देते हैं पुराने सिक्के और नोट्स के बारे में सच्ची जानकारी। दोस्तों, आज हम आपको अपने इस वीडियो में 5 रुपीज़ के कॉम्पिटिटिव कॉइन के बारे में बताएंगे उसकी वैल्यू क्या होती है और कौन से कंडीशन में ज़्यादा वैल्यू पे सेल होता है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर एक कॉइन दिखाई दे रहा है, 5 रुपीज़ का कॉम्पिटिटिव कॉइन है। इस कॉइन का जो थीम था सेंचुरी ऑफ कुमागाटा मारू इंसिडेंट था। इस कॉइन की अगर हम बात करते हैं तो कॉइन का जो मिंटिंग ईयर था, यानी कॉइन जो मिंटेज हुई थी 2014 में हुई थी। कॉइन का जो मेटल होता है निकल ब्रास होता है। कॉइन का जो वेट होता है अप्रॉक्स 6 ग्राम्स तक होता है। और कॉइन का जो साइज होता है, जो कॉइन का डायमीटर होता है, 23 mm तक होता है। और कॉइन का शेप सर्कुलर होता है। इस कॉइन की जो मिंटेज हुई थी चारों मिंट से हुई थी, बॉम्बे, कोलकाता, हैदराबाद एंड नोएडा मिंट। दोस्तों, अगर आप ये नहीं पहचान पाते कि कौन से मिंट का क्या सिंबल होता है और कौन से मिंट को कैसे पहचानते हैं, तो हमारी आप पहले की वीडियोस देख सकते हैं, उसमें सारे मिंट्स के बारे में बताया हुआ है। दोस्तों, बात करते हैं, मेन चीज आती है, आपके पास कोई भी पुराना सिक्का नोट आता है या कोई यूनिक सिक्का आता है, तो सबसे मेन चीज आती है कि उसकी वैल्यू क्या होगी और उसे कहाँ सेल करें। दोस्तों, अगर इस कॉइन की वैल्यू की बात करें तो ये एक कॉमन कॉइन है, एक कॉमन सर्कुलेटिंग कॉइन था। इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, बस ये अगर 5 रुपए का सिक्का है तो इसकी फेस वैल्यू 5 रुपए ही है, इतने पे ही मार्केट में चलेगा। अगर आप एक कलेक्टर हैं, यूएनसी कॉइन्स यानी कॉम्पिटिटिव कॉइन्स यूएनसी कंडीशन में कलेक्ट करते हैं, तो हो सकता है कलेक्टर्स इसका 5 रुपए की जगह 10 से 12 रुपए दे दे, बस इससे ज्यादा इसकी वैल्यू कुछ नहीं होती है। क्योंकि अगर आप एक कलेक्टर तो यूएनसी कंडीशन, वैसे तो यूएनसी कंडीशन में कॉइन्स मिलना मुश्किल होते हैं, क्योंकि 2014 का कॉइन है तो इतने दिनों तक प्रिजर्व करना यूएनसी कंडीशन में थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। तो डीलर्स के पास ये यूएनसी कंडीशन में मिलता है, वो भी 5 से 12 रुपए पर पीस पे देते हैं इस कॉइन को, वो भी 4 से 5 कॉइन्स ही जो कलेक्टर्स होते हैं वो ले पाते हैं। तो जो हमारे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स हमें बहुत सारे इस कॉइन्स की इमेजेस सेंड करते हैं, कहते हैं सर ये हमारे पास यूनिक सिक्का है, इसको हमें सेल करना है। दोस्तों, आपको बता दें कि आपके लिए हो सकता है यूनिक सिक्का, क्योंकि आपने हो सकता है पहली बार देखा हो इसको, लेकिन ये कॉइन बहुत ज्यादा अमाउंट में मिंटेज हुई थी इनकी, और बहुत से लोगों के पास ये बहुत सारे कॉइन्स हैं। तो जो कलेक्टर्स होते हैं जिनको कॉम्पिटिटिव कॉइन का कलेक्शन करने का शौक है, वही 2 से 4 पीसेज लेते हैं बस, उसके बाद कोई नहीं लेता इसको, ये नॉर्मली फेस वैल्यू पे ही मार्केट में सर्कुलेट होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं, अगर आपके पास कोई और भी पुराने सिक्के हैं, नोट्स हैं, जिनकी वैल्यू आपको पता करनी है, जिनकी वैल्यू आपको पता नहीं चल रही, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जिसमें फेक फेक वैल्यूज बताई गई हैं और लोगों को गुमराह किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपके पास ऐसे कोई कॉइन्स हैं जिनकी वैल्यू पता करनी है, तो आप हमें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी जीमेल आईडी, इंस्टाग्राम आईडी दी हुई है, आप उस पर हमें मैसेज सेंड कर सकते हैं, हम आपको जरूर कॉन्टैक्ट करेंगे। लेकिन दोस्तों, फिलहाल अभी आपके पास अगर रिपब्लिक इंडिया कॉइन ही रखे हैं तो उन्हीं की इमेजेस सेंड करिए। अभी फिलहाल हम ये बहुत से लोगों ने हमें पंचमार्क कॉइन्स, अकबर धाम, ये सारी चीज़ें सेंड की, उनकी वैल्यू नहीं बताया, क्योंकि हमारा जो मेन डीलिंग करते हैं हम लोग रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स में ही करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं, अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, आप लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। नीचे कमेंट करके बताइएगा हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे इस चैनल को जहां हम देते हैं पुराने सिक्के और नोट्स के बारे में सच्ची जानकारी, और दबा दीजिएगा बेल बटन जिससे कि हमारी वीडियोस आने वाली है सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।